अगर किसी गैस को थ्रॉटल किया जाता है, यानी उसे किसी कंस्टेंट पैसेज से पास कराया जाता है, तो उसका प्रेशर कम होगा। और जूल थॉम्सन इफेक्ट कहता है कि पहले थ्रॉटलिंग में हीटिंग होती है, उसके बाद कूलिंग होती है, यानी एक साइड इस कर्व का स्लोप नेगेटिव है और दूसरी साइड पॉजिटिव है। इसी प्रोसेस को अगर हम अलग-अलग टेम्परेचर पर रिपीट करें और जहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है उसे ज्वाइन करें, तो हमको ये लाइन मिलेगी। इस लाइन को हम कहते हैं इन्वर्जन लाइन। इस इन्वर्जन लाइन के एक साइड में हीटिंग होती है, इस जगह क्या है, इस रीजन में हीटिंग होती है, और दूसरे रीजन में इसमें कूलिंग होती है। अगर हम टीपी कर्व का स्लोप कांस्टेंट एंथैल्पी पर निकालें, तो उसे हम जूल थॉम्सन कॉफिशियंट कहते हैं। उससे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। तो ये जो म्यू होता है, कूलिंग रीजन में ये पॉजिटिव होता है और हीटिंग रीजन में ये नेगेटिव होता है।